नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए गणेश जी और लक्ष्मी जी की एक पौराणिक कहानी लेकर आए हैं। इस कहानी को सुनने मात्र से पूरे वर्ष धन लक्ष्मी की वर्षा होती रहती है और हर रात दिवाली होती है। किसी नगर में एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी रहते थे। दोनों ने घर के मंदिर में गणेश जी लक्ष्मी जी बैठा रखे थे। ब्राह्मण नित्य प्रति उनकी सेवा पूजा पाठ करता था। ब्राह्मणी भी भोजन बनाती और उनको भोग लगाती। उनके यहाँ बस एक ही कमी थी, वो दोनों आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ते थे। ब्राह्मणी भोजन बनाती तो ब्राह्मण को कहती, भोग लगा दो। ब्राह्मण कहता, तू लगा दे, मैंने पूजा कर दी है। जब भगवान को सुलाने का समय होता या आरती का समय होता तो वो कहता, तू कर दे, और वो कहती, तुम कर दो। परंतु नोक झोंक के साथ दोनों का गुजारा हो रहा था। कार्तिक का महीना था, दीपावली का दिन था। ब्राह्मणी ने भोजन बनाया और ब्राह्मण को कहा, भोग लगा दे। इस बात से फिर दोनों में नोक झोंक शुरू हो गई। गणेश जी लक्ष्मी जी से बोले, ये दोनों तो लड़ते बहुत हैं, हम किसी और के घर जाकर आसन ग्रहण करते हैं। दोनों वहां से चल पड़े। कुछ ही दूरी पर एक घर में पहुंचे तो देखा वहां देवरानी जेठानी आपस में लड़ रही हैं। घर का आंगन गंदा पड़ा है, झूठे बर्तन इधर उधर बिखरे पड़े हैं, भोजन पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। लक्ष्मी जी बोली, यहाँ तो मैं बिल्कुल नहीं रहूंगी। दूसरे घर गए, बहू अपनी सास से लड़ रही है, चौका बर्तन सब ऐसे ही पड़े हैं, भोजन पानी का कहीं कोई नाम नहीं है। तीसरे घर गए, वहां ननद भाभी लड़ रही हैं। चौथे घर गए, वहां भाई भाई लड़ रहे हैं। ऐसे ही जिस भी घर में जाते कुछ ना कुछ बुरा उन्हें मिलता। लक्ष्मी जी बोली, गणेश जी, घूमते घूमते बहुत समय बीत गया, कहीं भोजन पानी नहीं मिला, चलो ब्राह्मणी के घर वापस चलते हैं। दोनों चल पड़े। घर के बाहर पहुंचे, अंदर से पकवानों की खुशबू आ रही थी। द्वार खटखटाया, अंदर से ब्राह्मणी बोली, मैं नहीं खोलती द्वार, पहले तो तुम चले गए, अब क्यों आए हो? वो बोले, ब्राह्मणी, अब नहीं जाएंगे। ब्राह्मणी होशियार थी, बोली, मैं नहीं मानती कि आप दोबारा नहीं जाओगे, पहले मुझे वचन दो, तभी मैं द्वार खोलूंगी। लक्ष्मी जी बोली, मांगो क्या मांगती हो? ब्राह्मणी बोली, अन्न दो, धन दो, लक्ष्मी दो, दूध कढ़ावन दो, ऊत पालन दो, सोने का अखाड़ दो, कुल आई बहू दो, हाथी घोड़ा दो, लाभ लश्कर दो, 12 बरस की मेरी काया हो जाए, 12 बरस की ब्राह्मण की काया हो जाए, ऐसा वचन दो। लक्ष्मी जी बोली, जा ब्राह्मणी, तुझे ये सब प्राप्त होगा। ब्राह्मणी ने द्वार खोले, गणेश जी लक्ष्मी जी ने अंदर प्रवेश किया और ब्राह्मणी से कहा, ब्राह्मणी, तूने तो हमें ठग लिया, पर जा, तुझे ये सब प्राप्त होगा, लेकिन एक बात याद रखना कि आज के दिन यानी कि दीपावली की रात को अपने आंगन में चौका पूर कर एक चौमुखी दिया पूरी रात जलाना, मैं तेरी 7 पीढ़ियों तक विराजमान रहूंगी। ये कहकर गणेश जी और लक्ष्मी जी ब्राह्मणी के घर में विराजमान हो गए और उनकी कृपा से ब्राह्मणी के घर सुख समृद्धि के भंडार भर गए। हे गणेश जी लक्ष्मी जी, जैसी कृपा ब्राह्मण और ब्राह्मणी पर करी वैसी सब पर करना। इस कथा को कहते सुनते और हुंकार भरते सब पर कृपा करना और भंडार भरना। जय श्री गणेश, जय माँ लक्ष्मी।